हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय खुफेडेक चैनल। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ने नया मोबाइल लिया है या फिर दोस्तों आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर दोस्तों एक फाइल मैनेजर का एक फोल्डर होता है दोस्तों, उसमें सारे हमारे जितने भी फाइल मैनेजर में इमेज होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, वो सारे फोल्डर बन के आते हैं। तो दोस्तों वो फाइल मैनेजर का जो फोल्डर होता है, जो एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये हाइड हो चुका है या फिर आपके मोबाइल में नहीं है, तो किस तरह से इसे हम लोग वापस लेके आएंगे, किस तरह से आप लोग फाइल मैनेजर यूज़ कर सकते हो, चलिए देखते हैं। सिंपल दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर अगर फाइल मैनेजर आपका नहीं दिख रहा है तो आपको फर्स्ट यहाँ पर आपके मोबाइल के सेटिंग के अंदर इंटर हो जाना है। चलिए यहाँ से मैं मोबाइल के सेटिंग के अंदर इंटर हो गया हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखना है ऐप्स का। चलिए यहाँ पर मैं नीचे ले लेता हूँ, आपको नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स। देखिए यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है ऐप्स का। तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, इसे ओपन करके ले लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट का। तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, ऐप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। चलिए क्लिक करता हूँ मैं, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सारे मोबाइल के एप्लीकेशन आ जाते हैं। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर का एप्लीकेशन देखना है कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर माय फाइल लिखा है, माय फाइल से भी हो सकता है या फिर फाइल मैनेजर के नाम से भी हो सकता है। तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, अगर नहीं मिलता है तो ऊपर से आप लोग सर्च करेंगे माय फाइल्स, तो यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर लिखता हूँ, FILE। देखिए फाइल मैनेजर लिखने से देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ FIL इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ, और देखिए माय फाइल्स करके ये आ चुका है यहाँ पर एप्लीकेशन। तो सिंपल यहाँ पर इसे मैं ओपन करके ले लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कुछ सेटिंग यहाँ पर आपकी यहाँ पर ख़राब हो जाती है, कुछ सेटिंग यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, कोई भी कारण हो सकता है उसका। सिंपल इसे हमें फिर से डिस्प्ले के ऊपर लेके आने के लिए क्या करना है, इनेबल का जो ऑप्शन है दोस्तों, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके ले लेना है। देखिए ये इनेबल हो चुका है दोस्तों। अभी दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग बैक जाएंगे और देखेंगे कि फाइल मैनेजर का एप्लीकेशन हमारा आया है या नहीं मोबाइल के अंदर। चलिए यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों माय फाइल्स यहाँ पर आ चुका है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग ये सारे फोल्डर यहाँ पर बता रहा है। तो फाइल मैनेजर का काफ़ी दोस्तों यूज़ होता है, क्योंकि फोल्डर बनते हैं और फोल्डर से हम लोग कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं जो भी हमें करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।